नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तीन अंक का जोर बहुत ही आसान तरीकों से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपको आसान तरीकों से समझ में आएगा और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 352 में 425 को जोड़ना है। तो दोस्तों, जोर को कभी भी राइट साइड से किया जाता है। तो दोस्तों, राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है? 2 और 5। तो दोस्तों, ऊपर वाला अंक क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के लिए 2 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है? 5। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 2 लाइनों में ही और 5 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों, सभी लाइनों को पाड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी लाइनों को आपको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, 2 और 5 को जोड़ने पर क्या आया? 7। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 के सामने सामने 7 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है? 5 और 2। तो दोस्तों, उसी तरीके से ऊपर वाला संख्या क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है? 2। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 5 लाइनों में ही और 2 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2। तो दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी लाइनों को आपको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आया? 7। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 5 और 2 के सामने सामने 7 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है? 3 और 4। तो दोस्तों, आपको इसको भी उसी तरीके से करना है। तो दोस्तों, ऊपर में क्या है? 3। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 3 के लिए 3 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है? 4। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 3 लाइनों में ही और 4 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी लाइनों को आपको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आया? 7। दोस्तों, हम यहाँ पर 7 को लिख देंगे। तो दोस्तों, 352 में 425 को जोड़ने पर क्या आया? 777। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, है ना ये बहुत ज्यादा आसान। चलिए दोस्तों, इसको भी बनाते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, उसी तरीके से राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है? 4 और 3। तो दोस्तों, उसी तरीके से ऊपर में क्या है? 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के लिए 4 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है? 3। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 4 लाइनों में ही और 3 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3। इसके बाद चलिए दोस्तों, हम इन सभी लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आया? 7। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 7 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है? 3 और 5। तो दोस्तों, उसी तरीके से ऊपर में क्या है? 3। तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है? 5। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 3 लाइनों में ही और 5 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब चलिए दोस्तों, हम उसी तरीके से इन सभी लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आया? 8। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है? 6 और 2। तो दोस्तों, उसी तरीके से ऊपर में क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे, 6 के लिए 6 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 6 लाइनों में ही और 2 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2। अब दोस्तों, लाइनों को पाड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से इन सभी लाइनों को आपको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो दोस्तों 6 और 2 को जोड़ने पर क्या आया 8। तो दोस्तों यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला जोर है उसको आप बनाइए, आपके पास है 2 मिनट का टाइम, जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों जिनका भी आंसर सही आया है वही वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का आंसर सही आया है और कितने लोगों का आंसर गलत आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वाले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।